मेरा नाम जानवी शर्मा है। मैं गवर्नमेंट सीनियर सेकेंडरी स्मार्ट स्कूल में पढ़ती हूँ। मैं आज आपके सामने कहानी सुनाने जा रही हूँ जिसका नाम है हाथी और दर्जी। किसी राजा के पास एक हाथी था। वह प्रतिदिन स्नान करने के लिए नदी के पास आया करता था। रास्ते में एक दर्जी की दुकान पड़ती थी। उसकी हाथी के साथ मित्रता थी। हाथी प्रतिदिन कुछ ना कुछ खाने के लिए दर्जी के पास जाया करता था। एक दिन दर्जी क्रोध से बैठा हुआ था। हाथी गया और कुछ प्राप्त करने के लिए अपनी सूंड आगे की। दर्जी ने उसे कुछ नहीं दिया बल्कि उसकी सूंड में सुई चुभो दी। हाथी को क्रोध आ गया। हाथी दर्जी पर गया और उस और स्नान किया और लौटते समय उसने अपनी सूंड में गंदा पानी भर लिया और दर्जी की दुकान पर पहुंच के उसने अपनी सूंड में भरा गंदा पानी उसकी दुकान पर फेंक दिया। इस तरह हाथी ने दर्जी से बदला ले लिया। शिक्षा जैसी को दर्शा।